हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिन ब दिन सिचुएशन खराब होती जा रही है। किसी ने कमेंट किया होता ना, कहते हैं भाई आपकी आवाज तो इतनी भारी गीगा चैट वाली, और मुंह आप कैसा चूसने वाला होगा। आज का प्लान ये है बॉयज एंड गर्ल्स, ऑब्वियसली आज वैलेंटाइंस डे है। पहले तो मेरी वाइफ ने कहा चलो तुम्हारी तबीयत खराब है नहीं जाते, फिर 15 मिनट बाद पूछी अच्छा वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। कहती यार सबको फ्लावर्स मिल रहे हैं आजकल, सिर्फ मुझे ही नहीं मिले। लेकिन नहीं, मैंने इसे प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने कहा था तो मैं लेके जाऊंगा, कोई मसला नहीं। जैसे अपना फिजा ने अपना ड्रेस व्रेस भी तो बनाया था ना, ये देखो जरा। बॉयज एंड गर्ल्स अभी सीन ही है कि सिर्फ मेरी तबीयत खराब है, हम थोड़ा सा ना वो सूप वाले एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे ना आपके सामने एक सूप गर्म होता रहता है, उसमें गोश्त डालो पकता रहता है, फिर आप खाते रहते हो। दूसरा क्यों में कुछ और सवाल थे जो मैंने छोड़े थे, तो मैंने कहा There were about, somewhere about love, somewhere about other things, मैंने कहा तो वो भी करते हैं आंसर। मैं कहूँगा यार अभी व्लॉग देख रहा हूँ ना, भाई के लिए एक दुआ जल्दी से पढ़ दो कि मैं सही हो जाऊँ मैं, क्योंकि मैं व्लॉग्स लगाना चाह रहा हूँ रोज रोज, लेकिन ना लाइफ ऐसा इम्तहान ले रही है ना, रोज उठता हूँ मैं लाश बन के। लेकिन मेरी बीवी है ना, उसके जो नखरे है ना, दे कीप्स मी गोइंग। Before we go any further, don't forget to subscribe my channel. It helps your boy a lot, and I would really appreciate it. I'll see you there. हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, हम पहुंच गए हैं माना कोरियन बारबेक्यू। पहले मैं देख रहा हूँ सारे ना पिंक रेड पहन के आए हुए कपल्स, ये अल्लाह करे ज्यादा वेट टाइम ना। आज बहुत रश था, इतना रश मैंने इतना अरसे में नहीं देखा। वैसे तो सारे कहते हैं हम सिंगल फिर रहे हैं, कोई मिल नहीं रही, लेकिन वैलेंटाइन डे पे भाई इतनी गाड़ियाँ निकली हुई होती है। अल्लाह मैं भी मर गई हूँ। माशाल्लाह लुकिंग ग्रेट। भाई भूख से मर रहा हूँ मैं इस वक्त, फुल टाइम हैवी किस्म का। उसके बाद फिर हम ये जो कोरियन स्टोर है ना, यहाँ पे भी जाएंगे ज़ायन मार्केट ना, मैंने कोई कॉफी शॉफी पकड़नी थी। नहीं नहीं आज मिल जाएगा जल्दी स्पॉट। हेलो, देखो पिंक में है सारे बॉयज एंड गर्ल्स, रेड पिंक। मैं कोक भी नहीं पी सकता, गला ही उड़ा हुआ है मेरा। हमारे तो देसी पेरेंट्स ही कहते थे वो, तो जब मैं आइसक्रीम खाता था ना गला खराब होता था, मेरे अबू से चपेट पड़ती थी मुझे। लेकिन आइसक्रीम खा लेंगे, आइसक्रीम देखते हैं। ये देखो वैलेंटाइंस डे के लिए बॉयज एंड गर्ल्स। सब्जियां क्यों डाल रही हो, सब्जियां खाने हैं हम यहाँ पे। सब्जियां मैं तुम्हें घर में खिला देता वैलेंटाइंस डे। मशरूम की तरह अच्छा, ये मुझे पसंद है, ये डालूंगा मैं मशरूम। अंडा भी डाल सकते हो, अंडा खाने थोड़ी है हम इतनी दूर। ये तो स्पाइडर मैन का जाल लग रहा है। क्रैब स्टिक, ये थोड़ी सी फिश केक्स होते हैं, मजे के होते हैं। अच्छा ये भी फिश केक है, ये भी मजे का होता है। हमारे पास उबला हुआ सूप आ गया दोनों का, ठीक है। तो अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा, जब ये थोड़ा सा बॉईल पे आएगा ना, तब हम इसके अंदर चीजें डालना शुरू करेंगे। बॉईल पे आ गया तो अब हम डालेंगे इसके अंदर गोश्त, 3 मेरे 1 तेरा। फिर अब अपनी सब्जियाँ डाल दो तुम्हारी। हाँ डाल दो, सब कुछ डाल रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स। ये देखो हम निकाल लेते हैं एक टुकड़ा इसमें से, ऐसे करके। थोड़ा सा मसाला कम है, ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड एंड प्रीटी हेल्दी, वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। हम देसी हैं, हम हर कोरियन बारबेक्यू पे आके नमक डालते हैं। इतने जहर लगता है ना वाला ट्रेंड, बहुत ही ब्लैंड। ना नहीं ब्लैंड है, थोड़ा सा ना बॉयज एंड गर्ल्स ये ना एक चुटकी संदूर मैं भी डाल लेता हूँ उसमें। आई थिंक सीन पता है क्या है, जब आप जितना ज्यादा इसके अंदर गोश्त और चीजें डालते हो ना, उसमें इतना टेस्ट आता है। लेट है यार। बॉयज एंड गर्ल्स हमने खाना खा लिया है, पेट दोनों के निकले हैं 1.5 इंच बाहर, ठीक है। कोरियन मार्केट है साथ, जहाँ पे मैं आपको पहले भी लाया था। तो क्या मेरी आवाज कितनी सस्ती हो गई, क्या ले लो कोई चॉकलेट क्रोसॉन्ट, बाद में फिर मुझे कहती हो वो पड़ा है चॉकलेट क्रोसॉन्ट। हाँ ले लो ले लो, वैसे भी मेरी जिंदगी ले ही रही है। कॉफी हमारी मिल गई है, मैं फाइनली एक ये पकड़ लेते और एक ये पकड़ लेते, दलगोना कैपुचिनो और एक ब्लैक शुगर कैपुचिनो। कैपुचिनो क्यों कह रहा हूँ, पेंडू हो गया मैं, कैपुचिनो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बॉयज एंड गर्ल्स सीन है कि खाना शाना खा लिया है, अपनी कॉफियां भी पकड़ ली है, अब हम घर जाएंगे जरा। और घर जाके ना थोड़े से 2-3-4 सवाल और है क्यों के वो करते हैं। लोग कहते नहीं यार और सवाल कवर करने चाहिए थे, मैं चलो कर लेते हैं, बीमारी में निकल के तुम्हें लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। तो थैंक यू, बेस्ट हबी एवर। आपने कहते दिए। बॉयज एंड गर्ल्स हम घर वापस आ गए हैं, मैंने कहा थोड़े से हम और क्वेश्चंस को आंसर कर लें जो कल नहीं किए थे, फिर हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। और कल वाले व्लॉग में ना हम वो हाउ वी मेट वाला जो है ना, वो कल वाले व्लॉग में मैं लगा दूंगा, क्योंकि वो 10 मिनट की स्टोरी है तो अब लंबी हो जाती है। व्हाट रिसर्च इज योर वाइफ डूइंग? कौन सी रिसर्च? मैं आज की रिसर्च कर रही हूं, व्हाई इज मूसा सो क्यूट। आई डू ब्रेन कैलकुलेशन, सो ईईजी
एंड लाइट स्टिमुलेशन स्टफ. अपना ब्रेन तो चेक करवा लो जाके. बिगर पिक्चर है कि अल्जाइमर का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं हम. अल्जाइमर्स उर्दू में बोले तो बेसिकली मेमोरी लॉस. जब आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हो आपकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है. देयर इज अनदर वे इन विच इफ यू शाइन अ लाइट, आप अपने सर पे लाइट शाइन करते हो तो इट रिटेन्स योर कंसंट्रेशन. दिमाग लाइट स्पीड की तरह चलने लग जाएगा. कुछ हमें कभी बूढ़े सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, कुछ हमें जवान सब्जेक्ट चाहिए होते हैं. सो इट डिपेंड्स बट या द बिगर इमेजेस ब्रेन स्टडी दैट्स व्हाट आई डू. हे मूसा, आई वांटेड टू हियर योर टेक ऑन लव. व्हाट इज लव टू यू? व्हाट डज इट एंटेल? क्या है? व्हाट इज लव टू यू? देन आई विल टेल व्हाट इज लव टू मी. इसको खुद नहीं पता, रोज मेरे से पूछती, आज भी 10 दफा पूछा इसने. डू यू लव मी? अबे बीमारी में उठ के गला मेरा खराब है, फटे हुए ढोल जैसा, फिर भी लेके गया हूँ, खाना खिलाया, बिठा के साथ गाड़ी में वापस लाया हूँ. आप बताओ आपका क्या टेक है? कंडीशनल है, देयर इज अनकंडीशनल. ठीक है, अनकंडीशनल लव सिर्फ आपसे अल्लामिया ही करते हैं. ठीक है, कहते हैं कि आपकी जो माँ होती है, आपके बाप होते हैं, आपसे अनकंडीशनल करते हैं, बट उनकी भी लव की कंडीशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ लोग बच्चों के बाप होते कहते हैं डॉक्टर बनो तुम, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनते, उनका लव कम हो जाता है. माँ होती है, उसने भी सर्टेन एक्सपेक्टेशन रखी होती है, जब आप तोड़ दो तो उनका लव कम हो जाते हैं. बीवी का लव फिजा का जो हर वक्त ही कम रहता है मेरे लिए. बट जो प्यार है ना, वो बड़ा प्यारा होता है बॉयज एंड गर्ल्स. मैं क्या बताऊं आपको. What is love? हाँ, नहीं, I have the perfect answer. To be honest, हाँ, पहले मैं बोलूँ. बोलो बोलो. लगता है कि आप लव में हो, ये वो, लेकिन आपको एक दूसरे की ना आदत हो जाती है एट अ सर्टेन पॉइंट. ये नहीं होता तो, या मैं इसको बार बार मैसेज करूँगी, कब आना है, कब आना है. अगर मैं नहीं होती तो ये मुझे मैसेज करेगा. तो एक दूसरे की कनेक्शन, दैट इज व्हाट लव इज. टू बी ऑनेस्ट, लव इज द एब्सेंस ऑफ द अदर पर्सन. बेसिकली जब आप साथ होते हो ना, आप लवी डवी चीजें कर रहे होते हो, खाना खा रहे हो, एक दूसरे को बाग में हाथ पकड़ के फेरो, दैट इज नॉट लव. लव इज जब दूसरा बंदा घर पे नहीं होता, व्हेन यू आर ऑल अलोन एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन. आई थिंक दैट्स व्हाट लव रियली इज. वैसे भी आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन योर रिलेशनशिप्स, आप वैसे भी एक दूसरे से क्या बातें करोगे, क्या कुछ कर लोगे. द फैक्ट दैट यू आर मिसिंग देम व्हेन दे आर नॉट हियर इज लव. Yes, I want to approach her. She might reject me. Can you tell me how to approach her respectfully, please? Yaar, honestly, ये जो cold approaching होती है ना, it's 9 out of 10 time it never works. क्योंकि एक for example, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मैं इस तरह सोचता हूँ. मैं कहीं बाहर खड़ा हूँ, random खड़ा हूँ, एक इतना बड़ा मूछों वाला आदमी आ जाए, hello, how are you? My name is this. Can I get your number? You're so beautiful. बंदा यूँ डर जाएगा, क्योंकि एक देखो ना, लड़की के लिए तो एक बंदा होता है यार, थोड़ा सा man physically. Is more stronger, right? तो एक बंदा एक stronger sex आपके ऊपर आके आपको chase कर रहा है, approach कर रहा है. Your natural instinct is to run away from that, you know. You have to ease through it, and the only way to ease through it is if you have mutual friends. या तो वहां से हो सकता है, या तो लड़की आपको किसी कनेक्शन से जानती हो, या किसी आप इवेंट पे मिलो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहाँ पे आप इकट्ठे बात करो, मिलो, वहां से ज्यादा आसान होता है अपना. या ऐसा ही अप्रोच करो, एकदम नहीं होता. एग्जैक्टली, एकदम किसी को रैंडम सड़क पे जाके अप्रोच करोगे ना, या इट डजंट वर्क. दे हैव टू नो यू. लड़कियों का यार ऑब्वियसली होता है, दे all their life they have to be like careful of the guys and like all the troubles on the way, right? So it's just there, उनकी natural instinct kick कर जाती to run away, even if you're the hottest person. बहुत कम chances होते हैं आपको ना लड़की हाँ करेगी. तो इससे अच्छा है कि like try to get into a group, try to get into an activity जहाँ पे लड़कियाँ हों, थोड़ी सी दोस्ती जान पहचान बनेगी, फिर थोड़ा वो barrier टूटेगा, and I think that's when you actually try to not make a move but try to like ask her out, yeah, you know, respectfully though. My ex for almost a year wants to meet with me as she is moving to Dubai forever. Don't ever meet with your ex, ठीक है? This she is an ex for a reason. अगर तो तुमने, जो कि मुझे लग रहा है मैसेज से कि तुमने उसको छोड़ा है, and she wants to meet you. Let me tell you a cold hard truth about women especially. अगर औरत तुम्हें छोड़ दे, या तुम औरत को छोड़ दो, whatever that is, and if she comes back to you after a certain time, that means उसको और किसी बंदे ने मुंह नहीं लगाया. If she comes back to you and she's begging for your attention back, that means that she tried everywhere else and now she's coming back to you. So no. You're basically her safe option. Exactly. Assalam alaikum, Musa brother. I'm really your old viewer brother. I really want to start YouTube vlog. Where to start? Suggestion. ये question मैं फिजा को दूँगा. Anything you want to start in life, there's no, well, there is planning, but there's some things in life that you have to do. मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पहली अपनी वीडियो व्लॉग जो बनाया था मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो. लिटरली आई सॉ सम यूट्यूबर्स
एक यूट्यूबर देखा, दो तीन देखे, उनके आइडियाज थोड़े कॉपी किए, इम्प्लीमेंट किए अपनी वीडियो में, डे इन द लाइफ वाली वीडियो बना दी। एडिटिंग भी मैंने इस तरह सीखी कि मेरा व्लॉग बन गया था, दिस इज द वीडियोस दैट आई हैव एंड आई हैव टू एडिट इट टू पुट इट ऑन यूट्यूब। मैंने एक एजेंसी को क्रिएट किया बाय मेकिंग माय वीडियोस और फिर मैंने उसको एडिट करना सीखा और फिर मैंने उसको यूट्यूब पे लगाया। अगर तुम लोगों को डर हो रहा है किसी चीज का कि यार फैमिली वाले बोलेंगे, कजन वगैरह मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, वो तो कोई भी उड़ाएगा, वो तो नहीं, वो तो बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ यू डोंट डू इट तो पूरी जिंदगी तुम्हें रिग्रेट रहेगा कि यार मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता था लेकिन थोड़ा सा फैमिली वगैरह के, कजन वगैरह, दोस्तों के डर से ना मैंने नहीं किया। अगर कर लोगे थोड़ी देर का, वो कुछ बातें करेंगे, ये वो फलाना, बट व्हेन यू एक्चुअली सक्सीड एंड यू बिकम डिल्यूजनल एंड यू कीप ऑन पुटिंग एंड पुटिंग मोर कंटेंट, देन इवेंचुअली आई प्रॉमिस यू इट विल जस्ट गो अवे एंड यू विल बी जस्ट इन योर जोन एंड दे वुडन्ट इवन बॉदर। इवन इफ दे बॉदर देम, इट्स जस्ट देम वेस्टिंग एनर्जी ऑन यू। यू जस्ट कीप योर हेड डाउन एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। ऑनेस्टली देयर इज नो इजीियर वे टू टेल यू। गेट सम टिप्स फ्रॉम फिजा बाजी टू कंट्रोल एंगर इश्यूज। ये तुम्हें एक लड़की ईरज ने कहा है, एंगर इश्यूज तुम्हारे जो है किस तरह कंट्रोल करती हो तुम? मुझे एंगर नहीं होता, मैं झूठ बोल रही हूँ। कल इसको तब चढ़ी हुई थी, मैं बीमार पड़ा हुआ था, उसने कहीं जाना था तो कह रही थी हमने साथ जाना था लेकिन लेके नहीं गए, तो यूं करके रेडी हो रही थी। लेकिन तुमने उसको बताया नहीं ना कि कंट्रोल कैसे करें एंगर इश्यूज। ये मैं तकिया पकड़ो मुंह यूं कर फ्रेश को केन लाओ बाहर से, एंगर इश्यूज कंट्रोल करने, ठीक है, यू पाउडर डालो, ये लाइनें बनाओ, टक 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 टक, ऐसे एंगर तुम्हारा सॉल्व, मजाक करो, डोंट डू ड्रग्स किड्स, आई एम जस्ट टोटली किडिंग। एंगर इश्यूज कंट्रोल करने, पानी ज्यादा पियो, ठीक है, ब्लड प्रेशर की वजह से होता है जो मैंने देखा है, पानी ज्यादा पियो। पानी ज्यादा पियो। बेस्ट एंगर इश्यू का पता क्या हल है? आई लड़कियां नहीं कर सकती हैं एंड दे शुडंट डू इट, लेकिन जब मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा होता है तो मैं एक चाय बनाता हूँ और एक ना हल्का सा सुट्टा मार लेता हूँ जाके। आई एम नॉट अ चेन स्मोकर, आई डोंट स्मोक एट ऑल। कभी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा होता है ना, मेरे पास पड़ी होती है स्पेयर में, मैं जाके लगा लेता हूँ, इधर उधर सोचता हूँ, थोड़ी सी हवा लेता हूँ जाके, आबरू हवा, और फिर मैं आता हूँ अंदर और देन आई जस्ट यू नो आई काम माईसेल्फ डाउन एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी 3-4 सवाल ही हैं जो मैंने करने थे, लेकिन वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट हाउ वी मेट वाला क्वेश्चन जो है उसको सर डिटेल में आंसर करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स, डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू गो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। Inshallah, bye bye. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it.